जो किसान उगाता है उसका फायदा उसको मिलेगा या किसी और? पहली बार ये सवाल भट्टा परसौल में उठा, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया लैंड एक्विजिशन बिल को बदला। मोदी जी ने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द करने की कोशिश की, हमने उनको रोका। दूसरा कदम, ये जो तीन कानून है ये किसान को खत्म करने के कानून है। जिस दिन इस देश की फूड सिक्योरिटी चली जाएगी उस दिन देश की आजादी चली जाएगी। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही है और वो खड़ा हो गया है। हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। पूरे हिंदुस्तान में देखिए आपको 4-5 लोग दिखेंगे, एयरपोर्ट कोर्ट सब कुछ, बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है, वो सोचते हैं ये 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में चले जाएंगे। क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10-15-20-30 दिन यहां बैठा दिया ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा, भागना आपको पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि ये नहीं हटने वाले हैं, ये हिंदुस्तान है, ये पीछे नहीं हटता है, उनको पीछे हटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये मीडिया क्रिएटेड माया है और ये माया टूटने वाली है, और जिस दिन ये माया टूटी फिर देखना क्या होता है।